हर अदा पर मर मिटता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्कर 2023 में दीपिका पादुकोण पहुंची बतौर प्रेजेंटर। वहां पर उनकी स्पीच, उनके लुक, उनकी ड्रेस को हर किसी ने एडमायर किया। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ फॉरेन मीडिया एजेंसी से एक बड़ी चूक हो गई। जी हाँ, और ये चूक थी दीपिका पादुकोण को पहचानने में। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताती हूँ। लेकिन गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ कृतिका हूँ। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कई मीडिया एजेंसीज द्वारा एक बड़ी चूक हो गई। जब दीपिका को उन्होंने वहां पर देखा तो उन्हें लगा कि वो ब्राजीलियन मॉडल कैमिलिया है, और इसके बाद सोशल मीडिया पर इसी नाम से दीपिका की तस्वीरों को पोस्ट किया गया, जिसके बाद अब फैंस काफी नाराज हो गए हैं उन मीडिया एजेंसीज पर, और उन मीडिया एजेंसीज पर काफी गुस्सा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि दीपिका इतनी ज्यादा प्रचलित है, उनको सब इतना प्यार करते हैं, इतनी रिनाउंड फेस है, उसके बावजूद इन मीडिया एजेंसीज द्वारा इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय महिलाओं को उन्होंने गर्व महसूस कराया है दीपिका ने। वो ऑस्कर अवार्ड में गई, इतनी बढ़िया स्पीच दी, हर किसी की फेवरेट बन गई, और बावजूद इसके ऑस्कर्स में इतनी बड़ी चूक हुई मीडिया एजेंसीज द्वारा। जो फॉरेन की मीडिया एजेंसीज थी, उन्होंने दीपिका को पहचानने में गलती की थी, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब उन एजेंसीज को लेकर फैंस खासा नाराज है जिन्होंने दीपिका को ऑस्कर्स 2023 में नहीं पहचाना है। गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से ना बिना देरी के गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।